हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सानिकाज वर्ल्ड। आज हम लोग बॉम्बे टू सिंगापुर आए हैं सिंगापुर एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ और आज मौसम बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत है एंड यहाँ के रास्ते ऑब्वियसली बहुत सुंदर है। उसी के साथ साथ एयरपोर्ट रोड पर आपको बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज दिखेंगे, खूबसूरत से फ्लावर्स दिखेंगे। सो ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। सो गाइज़ हम लोग फ्रेशन अप हो चुके हैं और नज़दीकी सामने हमारे होटल के एक मार्केट है और इस मार्केट में लकीली आज कोई फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा है। सो हम भी फोटोज यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। हम लोग ये मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ज़्यादातर आपको यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा, वेज बहुत कम मिलता है। बट वेज के ऑप्शंस हैं काफ़ी, जैसे कि फ्राइड राइस, वेज नूडल्स और वेजिटेरियन काफ़ी कम है वैसे। तो आइए हम ये मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स की शॉप है, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की फ्रूट्स है यहाँ पर। हमने यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढी लेकिन सब नॉन वेजिटेरियन है और अलग तरह का नॉन वेज यहाँ पे बनता है। सो यहाँ पे पास में ही मैकडी है तो वहाँ से हमने कुछ बर्गर एंड फ्राइज़ ले लिए हैं। सो फिलहाल के लिए उसी से काम चलाएंगे। और इसके बाद हम एक्सप्लोर करने जाएंगे मरलाइन, वो भी मेट्रो से। तो ये इनका मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। Thank you.
लोग यहाँ पे उतर चुके हैं मरीना बे स्टेशन पर, और यहाँ से अब हम दूसरी मेट्रो करके जाएंगे रफल्स पैलेस, और वहाँ से हम चलकर जाएंगे मरलाइन पार्क। तो हमारी दूसरी मेट्रो आ चुकी है रफाइल्स पैलेस के लिए। तो अभी हम लोग रफाइल्स पैलेस मेट्रो स्टेशन से निकल चुके हैं, और यहाँ से करीब 5 मिनट्स वॉकिंग पर मरलाइन पार्क है, और रास्ते में इतना खूबसूरत व्यू है बिल्डिंग। सो गाइज, यहाँ पे राइट साइड में कार रेसिंग हो रही थी, और इसकी टिकट्स जो है पूरे हाउसफुल हो चुका था ये, और बस इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस है। गाइस कुछ तो दिख गया है फाइनली। तो ये वही होटल है जहाँ पर रेसिंग होने वाली है, और ये खूबसूरत सी गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं इन्हीं कार्स को वो रेसर्स चलाएंगे। और साइड में जो रोड दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और पुलिस भी है काफ़ी, तो यहीं से वो लोग रेसिंग करेंगे। बट हम चलते हैं हमारे मरलाइन पार्क की तरफ, और बस 5 मिनट में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ये यहाँ की बहुत फेमस बिल्डिंग है, और इसके टॉप व्यू पे आप ये पूरा शहर सिंगापुर देख सकते हो, और ये रिवर फ्रंट पे है। काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मरलाइन।
सो ये आपको स्टैचू दिख रहा है, उसी को मर्लाइन कहते हैं। ये आधा लायन और आधा मर्मेंट लाइक फिश जैसा है। और आज यहाँ पे बहुत सुंदर लाइटिंग्स हो रही है मर्लाइन पे, और बहुत खूबसूरत है, रिवर फ्रंट है और मर्लाइन है और बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स है। सो आइए हम और थोड़ा इसे एक्सप्लोर करते हैं। बहुत खूबसूरत लाइट शो हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ ले रहे हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत दिख रहा है कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और सो अगर आप भी सिंगापुर आ रहे हो मर्लाइन देखने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नाइट टाइम पे ही आइए, क्योंकि इसका नज़ारा नाइट व्यू बहुत ही सुंदर है। तो गाइस मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, और रास्ते में हम लोग डिनर भी कर लेंगे। सो ये है ऑरेंज जूस मशीन, तो इसमें हम कॉइन डालेंगे और ऑरेंज जूस यहाँ से इस मशीन।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।